जन वितरण प्रणाली के गोदाम में किराशन तेल गेहूं चावल चोरी किया। सहरसा जिला के पतरघट ओपी क्षेत्र के दबौली दक्षिणी पंचायत स्थित जन वितरण प्रणाली के गोदाम में रविवार रात चोरों ने 4 बोरी चावल गेहूं, 70 बोरी किराशन तेल, 117 लीटर और नाप तोल करने वाला तराजू, एक पंखा भी चोरी कर लिया। मामले में डीलर रंजन देवी पति संजीत राम ने बताया कि मामले के लिए FIR दर्ज करवाई गई है और उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार रात में गोदाम बंद कर वह घर चले गए। अगली सुबह आने पर देखा कि दरवाजे का हैंडल टूटा पड़ा था, जहां गोदाम से गेहूं चावल और किराशन तेल एवं पंखा गायब मिला। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। मामला है यहां का, जन वितरण दुकान है यहां पे, रात में चोरी हो गया था। कितना बजे? अब कितना बजे, रात का 10:30 बजे यहाँ से तो हम गए थे घर सोने के लिए, उसके बीच कब चोरी हुआ पता नहीं। हम सुबह आए थे तो देखा ताला वाला टूटा हुआ है। क्या सब तो चोरी हुआ यहाँ? तो मुँह मिलान किए थे तो 75 बोरा तो गेहूँ था, उसमें गेहूँ है ये है, और 4 बोरी चावल था, 4 बोरी चावल नहीं है, और पंखा था, कंडा है, गला में रुपया था, गला सहित गायब है, तेल था, तेल भी मिट्टी का तेल, किरासन। कितना किरासन तेल चोरी हुआ? ये स्टॉक में 117 लीटर तेल बचा हुआ था, जो कि अब जो भी बचा हुआ अभी सामने में है, उसके बाद चोरों ने ले लिया। तो आप थाना में कंफर्म किए क्या? कंफर्म तो नहीं किए, जा रहे हैं आवेदन देने के लिए। अभी जा रहे हैं क्या? जी। और लाइसेंस जो है किसके नाम से है? हमारी पत्नी नाम से है, रंजन देवी। आपका नाम क्या है? संजीत राम। वार्ड नंबर 11, पंचायत धवोली दक्षिणी। पतरघट से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट, R9 भारत।